शिवानी, आप तो एक यूथ हो, बहुत समझ होगी आपकी। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ। तो काफ़ी समझ है आपको बाबा राम रहीम के बारे में। आज मीडिया जो दिखा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जो मीडिया दिखा रही है सब बेबुनियाद है, सब गलत है। किस बेस पर कह रहे हैं आपकी ये सब बेबुनियाद है? जस्ट बिकॉज मैं खुद वहाँ जाती हूँ, वहाँ रुकती हूँ, वहाँ का सब माहौल देखती हूँ और ऑब्जर्व करती हूँ। मतलब आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? हाँ जी, मैं वहाँ से जुड़ी हुई हूँ। आप तो एक नौजवान हैं, समझदार हैं, तो आपको ऐसे बाबा के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत थी? मैं किसी और के कहने पे थोड़ी ना उनके पीछे चलती हूँ या उनको फॉलो करती हूँ। मैं जो खुद ऑब्जर्व करती हूँ, जो मैंने महसूस किया वहाँ जाके, इस चक्कर में वहाँ मैं उनको फॉलो करती हूँ। ऐसा क्या सिखाते थे बाबा राम रहीम, किस तरह के कार्य करते थे जो आज आप जैसे युवा भी वहाँ जाते हैं? उनके 134 ह्यूमैनिटी वर्क्स थे, जिससे समाज में अच्छा ही संदेश जा रहा है लोगों के लिए और अच्छा ही करने को मिलता है। किस तरह के कार्य होते थे ये? ब्लड डोनेशन, सेव गर्ल चाइल्ड और विधवा विवाह कराना, जो गरीब हैं, मतलब जहाँ जिनके पास खाने तक को नहीं है उनको राशन देना और 1 रुपए का सिक्का निकालना मंथली, मतलब ये ऐसे काम करते थे वो। क्या बाबा राम रहीम सिर्फ ये कार्य करने के आदेश देते थे या करवाते भी थे साथ में? वो सारे काम करवाते भी थे जी। हमें मतलब प्रेरणा देते थे करने की। आज बाबा राम रहीम के सत्संग नहीं होते, इससे समाज में कुछ फ़र्क पड़ा? समाज में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत नेगेटिविटी फिर से फैलती जा रही है। जो थोड़ी बहुत कंट्रोल में आई भी थी, फिर से वो नेगेटिव होता जा रहा है पूरा समाज जी। मतलब आज बाबा राम रहीम की समाज को किस तरह से ज़रूरत है? अकॉर्डिंग टू मी उनकी हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। आप तो एक लड़की हैं और हमने सुना है कि डेरा सच्चा सौदा में लड़कियाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। इवन मैं जब घर में रहती हूँ, मेरी मम्मी मेरे पे इतनी बाउंडेशंस लगाती है, मुझे कहीं नहीं जाने देती, लेकिन वहाँ पर मैं रात के 2 बजे भी मेरी मम्मी कुछ नहीं कहती, मैं कहीं भी जा सकती हूँ एकदम फ्री होकर। बाबा राम रहीम तो एक संत हैं, उन्हें फिल्में बनाने की क्या जरूरत पड़ी? जो हमारे यूथ हैं वो सत्संग में जाना ना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है बोरिंग है, फलाना है, ढिकाना है। बट जो मूवी के जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे समाज को सुधारा जाए, कैसे जो नेगेटिविटी है उसको कम किया जाए। आप तो एक यूथ हैं और आपने भी ये फिल्में देखी होंगी। हाँ, आप में क्या चेंजेस आए इससे? मेरे में से बहुत चेंजेस आए। वैसे तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैंने खुद भी मूवीज़ देखी, अपनी फ्रेंड्स को भी दिखाई, उनमें भी काफ़ी चेंजेस आए। मतलब उनको फील हुआ कि उनको भी एक बार जाना चाहिए डेरे जी। मतलब आपने भी उनसे मेथड ऑफ मेडिटेशन लिया होगा? हाँ, आप भी करते होगे, तो क्या फ़ायदे हैं इसके? इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे एक तो माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है, कोई भी चीज़ करो एकदम अच्छे से हो जाती है। मतलब बिना मेडिटेशन के एकदम अशांत सा हो जाता है दिमाग, किसी भी काम में मन नहीं लगता। आज भी आपका बाबा राम रहीम पर यूं ही भरोसा बना हुआ है? बिल्कुल भरोसा बना हुआ है, 1% भी इधर से उधर नहीं हुआ जी। आज देश की सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, ये जितने भी झूठे आरोप लगाए हैं उन सबको हटा के जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को भेजा जाए जी। धन्यवाद।